यहाँ ये शार्क इन लोगों पर अटैक करती है और इसके अटैक की वजह से ये बोट काफी डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए ये पानी में डूब रही थी। ये शार्क इन लोगों पर बार बार अटैक कर रही थी और इस शार्क के अटैक की वजह से एक आदमी बोट से रपट कर शार्क की तरफ आ रहा था। ये आदमी जान बचाने के लिए अपने दूसरे साथी का हाथ पकड़ता है मगर वो भी छूट जाता है। काफी समय तक काफी कोशिश करने के बाद भी ये आदमी इस शार्क से नहीं बचता और बाद में वो शार्क इस आदमी को मुंह में दबाकर पानी में ले जाती है। कुछ समय बाद ये शार्क फिर से दूसरे आदमी पर अटैक करती है। अब वो आदमी इस शार्क के मुंह में एक सिलेंडर फेंक देता है। बाद में जब ये शार्क पानी में चली जाती है तब ये आदमी एक राइफल लेकर बोट के टावर पर चढ़ जाता है। इसके बाद जब वो शार्क इस पर अटैक करती है तो ये आदमी राइफल से शार्क के मुंह के अंदर सिलेंडर में निशाना लगाता है और काफी गोली चलाने के बाद आखिर में एक गोली सिलेंडर पर लगती है। अब सिलेंडर के फटते ही वो शार्क भी मारी जाती है।